ओके, अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर मदिया रहमान. आई एम कम फ्रॉम फैसलाबाद टू अटेंड द मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. और आई फाउंड इट अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि फैसलाबाद से मूव करके यहाँ आना स्पेशल. और पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, मेरा टाइम ना वेस्ट हो, वीकेंड है, दैट्स इट. लेकिन इट इज़ वेरी हेल्पफुल. और एज अ टीचर जो है उसको उसका एक्सपीरियंस लेना, इट इज़ वेरी ग्रेटफुल. और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी डॉक्टर नासिर शाह का कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की, कि मैंने बहुत सारे मेथड्स सीखे, खुद भी अपने आप को भी मैंने रिहैब किया. और इसके अलावा नाउ आई एम फीलिंग मच एबल कि मैं किसी और को भी इसको टीच कर सकती हूँ एज अ प्रोफेशनल. सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की. एंड आई एम होपिंग कि नेक्स्ट भी मुझे ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोवाइड की जाएंगी. जो हैंड ऑन सेशंस थे हमारे, वो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपकी जो एक झिझक होती है इंसान में कि मैं कर नहीं सकता, या मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से भी शायद आता है अच्छा या नहीं आता वट्स एवर, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जो है एज अ टीचर हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ईजीली परफॉर्म कर सकती हूँ. और जो एक वन टू वन या फेस टू फेस जो इंटरेक्शन का एक डायलेमा होता है वो मेरे अंदर अब ख़त्म हो गया है. मेरे पास जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 years का है इन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी. लेकिन मैं अंडर ग्रेड्स स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी वहाँ पर, और थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाना जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में था. सो अब जो है CIFM के साथ और शफा के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अपने क्लिनिकल नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की एज अ टीचर, दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड आई एम होपफुल कि मैं इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल के जो है वो आगे फर्दर जो है अपने जर्नी को कंटिन्यू करूँगी विद सक्सेस इंशाल्लाह.